वेलकम माय डियर फेवरेट स्टूडेंट्स। देखो मेरे बच्चों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक चल रहा है। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर 3 लाए हैं। पहला लेक्चर में सिलेबस डिस्कस किया था, वेटेज डिस्कस किया गया था। दूसरे सेक्शन में कल जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में जो लेक्चर 2 था हमारा, उसमें बूलियन एलजेब्रा डिस्कस किया गया था। और ये बूलियन एलजेब्रा का ही पार्ट है, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं शुरू हो गया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ बूलियन एलजेब्रा, जो उस वीडियोज में लेंथ बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए इसको इधर से ब्रेक किया गया। तो और अच्छा है कि ये सेपरेट हो जा रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे आपका डिमॉर्गन्स थ्योरम, डबल इन्वर्जन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या क्या देखेंगे? पहले हम लोग देख लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एब्जॉर्प्शन लॉ, उसके बाद देखेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम, और फिर डबल इन्वर्जन लॉ। और हम लोग इससे रिलेटेड, सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाएंगे और जरूर से बनाएंगे। यस, आई कैन सी यू, यू कैन सी मी। ये तो खास बात है डिजिटल का, क्या डिजिटल एजुकेशन का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का तो बात जो है अभी तो देखेंगे ही हम लोग। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एज पर योर लेक्चर, अभी हम लोगों का कुछ लॉज और कुछ थ्योरम्स के बारे में हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज दिखाएंगे, लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया गया था। यस, ये है सडन लॉज, जिसका नाम आपको लिखा हुआ है। आप देखोगे कि यहाँ पर जो लॉ नंबर आपका नंबर सो यहाँ नहीं दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ना जरूर है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या लिखा है देखो, यहां देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इसने लिख दिया है ए प्लस बी सी इज इक्वल टू, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही देखते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने एब्जॉर्प्शन लॉ पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इसने लिख दिया ए प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये कैसे पॉसिबल है, ए प्लस बी सी ए बी प्लस ए सी कैसे लिख सकते हैं? और इसको आपके एब्जॉर्प्शन लॉ में लिख दिया है एब्जॉर्प्शन लॉ में लिख दिया है ए प्लस बी सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। ये दोनों बातें कैसे पॉसिबल है? ये चीजें पॉसिबल हैं। और कल का एक क्वेश्चन था, पिछले वीडियो का एक क्वेश्चन था, इसमें एक कंफ्यूजन आ गया था कि दो आंसर्स आ गए थे। आपको क्वेश्चन हम याद दिला देते हैं यहाँ पे लिख के, यहाँ पे लिख के क्वेश्चन याद दिला देते हैं आपको। क्वेश्चन था आपका के ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी। तो दो मेथड से सॉल्व किए थे और देखे थे कि अलग अलग आंसर आया था। तो इन दोनों बातों को हम लोगों को समझने के लिए जल्दी से देखते हैं कि कैसे यह काम किया। डिस्ट्रीब्यूटिव और एब्जॉर्प्शन लॉ को समझने के लिए आपको एक चीज यहां पे सिखाना चाहेंगे हम, कि अगर आपका, यहां से लिख सकते हैं, अगर आपका ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी को हम बोले सॉल्व, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी को अगर हम आपको बोले कि प्लीज सॉल्व इट, तो तुम क्या आंसर लाओगे, क्या आंसर लाओगे और कितने देर में आंसर लोगे? चलो हम अभी स्टूडेंट बन जाते हैं आपके जैसा, अब हम देखते हैं कैसे हम आंसर लाएंगे। a इंटू ए, इस ब्रैकेट को इसके साथ तोड़े और फिर a को इसके साथ तोड़े, प्लस a इंटू सी, फिर a इंटू बी, प्लस b इंटू सी। ये काम करेंगे? हाँ। अब क्या करेंगे कि a इंटू ए तो a ही होता है, प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, दो स्टेप। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, वन प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी, और फिर आप वन प्लस एनी नंबर इज वन, तो ए प्लस बी सी। तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, और चौथा स्टेप में आपने आंसर लाया ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी।
अगर हम टीचर बन के बात करें तो इसका वन स्टेप में आंसर हम लाएंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। कैसे कैसे? चलिए यहां आपको रूल समझना होगा। रूल देखिए, समझिए, अगर कोई भी क्वेश्चन, रूल में इसमें वन है, रूल नंबर वन, कोई भी क्वेश्चन पॉस में दिया हुआ है, पॉस क्या होता है और सॉप क्या होता है, अभी आज ही के क्लास में इसको हम डिस्कस भी करेंगे। पॉस होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, रूल वन पॉस में दिया हुआ होना चाहिए, पॉस में। रूल वन किस में होना चाहिए? पॉस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम। देखो ये प्रोडक्ट हो रहा है ना, मल्टीप्लाई, और ये क्या हो रहा है, सम, इसको प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं। और इस तरह की जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, ये सम हो रहा है किसका, प्रोडक्ट का। तो ये पॉस और सॉप फॉर्म है, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। रूल नंबर वन है कोई भी क्वेश्चन पॉस फॉर्म में दिया हुआ हो, और रूल नंबर टू है कि एटलीस्ट वन टर्म रिपीटेड हो, वन टर्म रिपीटेड, कोई भी एक टर्म रिपीटेड हो, जैसे इसमें ए रिपीटेड हो गया, ठीक है। तो दो रूल्स अगर इसमें आप समझ जाओ, जो इस क्वेश्चन में ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी पॉस में भी है और ए रिपीटेड है, अगर ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी होता तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो ये बहुत शानदार ट्रिक है, आप देखेंगे, दिस इज अ ट्रिक एज वेल एज लॉ, लॉ कम ट्रिक ज्यादा है, अप्लाई करेंगे। इसका नाम दे दो फर्स्ट टर्म, इसका नाम दे दो सेकंड टर्म, तो ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, और ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, ठीक है। टर्म आप अपने से लिख लेना, ये अपना फर्स्ट टर्म, तो ये ए है, तो ए तो वही फर्स्ट ही लिखेंगे ना, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो आंसर जानते हो क्या हो जाता है, अगर ये दो रूल फुलफिल कर रहा है तो द आंसर विल बी इन वन लाइन, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड इंटू थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड इंटू थर्ड टर्म, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। फर्स्ट टर्म क्या है बोलो, ए है प्लस सेकंड टर्म क्या है बोलो, बी है। थर्ड टर्म क्या है बोलो, सी है। क्या आंसर आया, ए प्लस बी सी। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, इसको लॉ बना दिया है, इसको ट्रिक बोलते हैं। आप इतना लंबा स्टेप्स में, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एग्जाम जब आप तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां थोड़ा सा मेहनत करके सीख लो, एग्जाम में आपका इनफिनाइट नंबर ऑफ सेविंग्स हो जाएगा, वक्त का भी, एनर्जी का भी, और मार्क्स भी बढ़ेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे दो। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं बेटा, अगर आपका पॉस फॉर्म में है, पॉस कैसे बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम, और एटलीस्ट कोई भी एक टर्म रिपीटेड है, तो उसको हम लोग लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड इंटू थर्ड टर्म। डायरेक्टली यहां देख लो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड इंटू थर्ड, सेकंड इंटू थर्ड टर्म, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी हो जाएगा, ए प्लस बी सी। अब हम देखिए, जल्दी से आपको रिवाइज करा देते हैं। हुआ क्या था कि अगर कोई भी टर्म, रूल नंबर वन ये है कि अगर कोई पॉस फॉर्म में दिया हुआ हो, और रूल नंबर टू ये था इस ट्रिक का, इस ट्रिक का रूल है कि अगर वो एक टर्म रिपीटेड है, वन टर्म इज रिपीटेड, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, पहला पॉस फॉर्म में है और दूसरा x रिपीटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक लाइन में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस थर्ड, आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू थर्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जेड। ये ट्रिक जल्दी से सीख जाओगे तो बिना पेन उठाए, बिना पेपर उठाए आप सॉल्व कर लोगे। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन चेक करते हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं कितना सीखे। एक्स बार प्लस वाई इंटू एक्स बार प्लस जेड, पेपर पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अभी आपको ट्रिक से बता दिए थे। पॉज फॉर्म में है, हाँ है, x बार रिपीटेड है, हाँ है, आंसर क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड इंटू थर्ड, आंसर आ गया। एक और सवाल आपके लिए, शॉर्ट में मजा आ जाएगा।
ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी, दिख रहा है कट रहा है कट रहा है, नीचे करते हैं थोड़ा, हाँ ए प्लस बी, ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। क्वेश्चन साफ सुथरा है? क्वेश्चन साफ सुथरा नहीं है, अभी भी कट रहा है, इसको हम लोग यहां लेते ही नहीं, यहां लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं फिर से, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार। अभी सही बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, कोई चिंता नहीं करने का, पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना है पॉस में है कि नहीं। यार पॉस में तो है, चार टर्म हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोला है कि चार टर्म दस टर्म नहीं हो सकता, पॉस में होना चाहिए बस। रिपीटेड है टर्म, फर्स्ट टर्म रिपीटेड है, ये सेकंड है, और बी बार चूंकि बी है और बी बार है तो ये सेकंड, ये अलग टर्म हो गया, तो ये तीन टर्म है, ए बार रिपीटेड है, बी बी बार रिपीटेड। ये दो क्वेश्चन समझो, इसको दो क्वेश्चन समझते हैं, है एक ही क्वेश्चन पर अपनी अलग अलग समझो। ये एक सेट हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड का, ये एक सेट हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तो पॉस में है ये फर्स्ट टर्म है, देखो ना ये फर्स्ट टर्म है एक्स के जैसा ए, ये सेकंड टर्म है और ये बी बार है तो थर्ड टर्म है, तो ए प्लस बी डॉट बी बार, ये हुआ इसका, और इसका हुआ ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड और ये थर्ड टर्म है, तो ए बार प्लस बी डॉट बी बार, ऐसा हुआ, और यहां इंटू रहेगा, क्यों, क्योंकि ये इंटू है यहां, अब समझ रहे हो। तो बी डॉट बी बार क्या होता है, लास्ट क्लास में आपने देखा था बुलियन अलजेब्रा में, बी डॉट बी बार जीरो होता है, तो ए प्लस जीरो, ये डॉट है ना तो ब्रैकेट लेंगे, इंटू ए बार, बी डॉट बी बार क्या होता है अभी ना बताए, जीरो होता है, जीरो, तो आंसर क्या हुआ, ए डॉट, ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार। नेक्स्ट स्टेप यहां पर हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप ए डॉट ए बार इज इक्वल टू जीरो, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जीरो। चार ऑप्शन दे देगा, जीरो, ए बार बी, ए बी बार, नन, कुछ भी इस तरह का चार ऑप्शन दे देगा, तो आंसर क्या आया बेटा इसका, जीरो। इस तरह के सवाल हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, मजा आएगा। अभी चलते हैं आगे की तरफ, देखिए ये वाला इमेज हम जानबूझ के यहाँ पे छोड़े थे, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या लिखा हुआ है, देख लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपका लिखा हुआ, एब्जॉर्प्शन में नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में लिखा हुआ है ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। देख लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अभी जस्ट उसका रिवर्स देखते हैं, देखो ये क्या है हमारा सॉप फॉर्म में, रूल वन फॉर डिस्ट्रिक्ट, ये किस फॉर्म में है, वो पॉस में था ना, ये पॉस में, ये किस में है, ए प्लस बी सॉप में है। रूल टू, टर्म्स रिपीटेड नहीं है, नो टर्म्स रिपीटेड, ठीक है। तो अभी यहां अच्छे से देखो, ए प्लस बी सी सॉप फॉर्म में है और ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये है आपका सेकंड टर्म और ये है आपका थर्ड टर्म, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, क्योंकि वही चीज तो वहां हो रहा था ना, फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस थर्ड इज फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू थर्ड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस थर्ड इज फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू थर्ड, तो ए प्लस बी सी कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब समझ में आ गया ये लॉ, अब समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलिए ये बात अगर समझ में आ गई है तो हम लोग एक क्वेश्चन अभी तुरंत इससे लगे लगे करके देखते हैं कि क्या आंसर आप ला पा रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम अभी तुरंत लिख देते हैं, आप जब तक यहाँ पे देखो इसको
कैसे आ रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड इंटू थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस थर्ड। क्वेश्चन है ए बी प्लस, हाँ दिख रहा है, ए बी सी प्लस ए बी बार सी। जरा सो सॉल्व करो तो मेरे लिए, बी पे बेटा बार है, बी पे बार है, कैन यू सी इन द क्वेश्चन, हाँ बी पे बार है, ए वाले थर्ड पे, ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी। नहीं बनाओगे, हम ही बना दे, क्या कॉमन लेना चाहते हो, बीसी लेना चाहते हो, ए बी लेना चाहते हो, कुछ भी ले लो। चलो ए बी ही पहले दिख रहा है, ए बी ले लेते हैं, ए बी कॉमन ले लिए तो क्या आया, वन प्लस सी प्लस ए बी बार सी। ए बी कॉमन लिए तो वन प्लस सी आया ना, तो वन प्लस एनीथिंग इज वन, तो आंसर आया ए बी प्लस ए बी बार सी। अब क्या लोगे तुम, ए कॉमन ले लोगे, ए कॉमन ले लिए तो क्या बचा, बी प्लस बी बार सी, बी प्लस बी बार सी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड इंटू थर्ड विल गिव यू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, यानी कि ए इंटू बी प्लस बी बार इंटू बी प्लस सी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, और ए तो अपना बाहर है ही, बी प्लस बी बार वन होता है, तो क्या हो गया, ए इंटू बी प्लस सी। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए इंटू बी प्लस सी इज द करेक्ट आंसर, ए इंटू बी प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर से देख लो, ए बी कॉमन ले लिए अगर, तो हमारा क्या आया, वन प्लस सी, ए बी तो बाहर आ गया, ए बी बार सी बचा। अब यहां वन प्लस एनीथिंग इज वन, तो ए बी, यहां उंगली देखिए, ए बी और ए बी बार सी में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, ए ही ले सकते हैं, तो अंदर बी प्लस बी बार सी बचा। जैसे ही अंदर बी प्लस बी बार सी बचा, तुरंत रिलेट कर लो इस टर्म से, ठीक है, क्योंकि ये आपका सॉप में भी है और एक कोई टर्म रिपीटेड भी नहीं है, उसी फॉर्मेट में है, बी प्लस बी बार और बी प्लस सी आ गया, बी प्लस बी बार वन होता है, तो आंसर आ गया इसका बी प्लस सी। एक और सवाल आप लोगों के लिए, चलिए जल्दी से हम लोग जो है ना, चार टाइप्स ऑफ थिंग्स को इसके इसी टर्म से रिलेटेड हम लोगों को याद कर लेते हैं, याद रखना ही पड़ेगा आपके एग्जाम में, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। पहला है, अगर हम आपसे पूछे कि a प्लस ए बार बी क्या होगा, a प्लस ए बार बी क्या होगा, आप सोचते रहो, पेन नहीं उठाना है, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लो, a प्लस ए बार बी बार क्या होगा, a प्लस ए बार बी बार क्या होगा। फिर आपसे हम पूछे a बार प्लस ए बी क्या होगा, a बार प्लस ए बी क्या होगा, और फिर हम आपसे पूछे, जगह है हाँ, फिर हम आपसे पूछे ए बार प्लस ए बी बार क्या होगा, ए बार प्लस ए बी बार क्या होगा। इसको आप थ्योरम्स के फॉर्म में इसको लिखो, थ्योरम्स के फॉर्म में लिखना है ना, हम इसको आपके लिए सॉल्व कर दे रहे हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या होता है, फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस थर्ड, यानी कि ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी, ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार इज वन, सो द आंसर टू फर्स्ट वन इज ए प्लस ए बार बी इज ए प्लस बी। याद रखेंगे बेहतर रहेगा एग्जाम के लिए, याद नहीं रखेंगे तो कम से कम इतना तो डेराइवेशन आना ही चाहिए। अब यहां देखो, a प्लस ए बार बी बार फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, a प्लस ए बार फिर वन, तो क्या आंसर हो गया, a प्लस बी बार, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तीसरा, a बार प्लस ए बी, लिखो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ए प्लस ए बार या ए बार प्लस ए तो वन ही होता है, तो क्या आंसर आ गया, ए बार प्लस
बी, और फोर्थ में है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, सो द आंसर इज, ये तो आपका वन हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। ये चार है जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया अभी की पढ़ाई से, ठीक है। फिर से रिपीट कर दो, ए प्लस ए बार बी इज ए प्लस बी, ए प्लस ए बार बी बार इज ए प्लस बी बार, एंड ए बार प्लस ए बी इज ए बार प्लस बी, और ए बार प्लस ए बी बार इज ए बार प्लस बी बार। यही वो क्वेश्चन है, देखो यहां अभी इसको हम रहने दिए हैं, यही वो क्वेश्चन है जो बोलियन अलजेब्रा लेक्चर टू में जो हम लोग पढ़ाए थे तो बताए थे कि अगर हम यहां पर ए बी नहीं कॉमन लेके बी सी कॉमन ले लें, अभी तुरंत यहां देख लेना है, आपको हम यहां लिखा देते हैं, छोटा सा जगह चाहिए, अगर इसमें से बी सी कॉमन ले लें, हम बी सी ले सकते हैं कॉमन, ए सी ले सकते, ए सी कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, बी प्लस बी बार, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस, ए बी रहने देते हैं, ए सी कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा, बी प्लस बी बार, ए बी प्लस ए सी, तो बी प्लस बी बार तो वन होता है, इसमें से ए कॉमन ले लिए तो क्या आया, बी प्लस सी, देखो दोनों सेम आंसर आ गया, देखो ना, ए बी प्लस ए सी, बी प्लस बी बार वन होता है, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी प्लस सी, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी प्लस सी, दोनों सेम आंसर है, यस, थोड़ा कट गया था वहां पे। तो अगर कोई बच्चा बी सी कॉमन ले रहा है, ए सी कॉमन ले रहा है, तो यहां तो बिना वो थ्योरम लगाए बन गया, मगर अगर कोई बच्चा ए बी कॉमन ले रहा है और थ्योरम्स नहीं पता है तो वो फंस जाएगा, इसीलिए नॉलेज तो रखना ही पड़ेगा। चलिए अभी हम लोग जो है ना इसी से, इस चार में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो कम से कम, यस। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एब्जॉर्प्शन लॉ का जो प्रोसेस लगभग था हम लोगों ने देखा है, और इससे एक और सवाल आप लोग कर लिए, मन नहीं मानता है यार, सवाल जब तक आप लोग नहीं करते हो ना, पढ़ाने में जो है ना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, कि जब तक बच्चों से सवाल नहीं बने ना, लगता है आगे बढ़ जाए, फिर लगता है नहीं क्वेश्चंस करवाएं। तो क्वेश्चंस जब बनाओगे ना तो बहुत कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा, लगेगा कि हाँ आज हम कुछ सीखे हैं, ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस क्या ले लें, ए बी बार। चलो कोई बच्चा इसको सवाल बनाओ, और इसके बाद तुरंत एक और सवाल बनाओ, ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी, दो सवाल बनाओ, तो ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी, और ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार। हाँ बोलो बोलो, टाइमर भी लगा देंगे, जान ही रहे हम टाइमर लगाने में एक्सपर्ट हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में कितना टाइमर लगाए आप लोगों के लिए याद है ना। लो 30 सेकंड का टाइमर आ गया, तो सर क्वेश्चन है गायब हो गया, तो कोई टेंशन ना ले बाबू, हम हैं ना यहाँ पर, कोई टेंशन लेते हो, बनो 15 सेकंड खत्म। टाइम अप नाउ, रुक जाओ, बना तो बना, नहीं बना तो अभी हम बनाएंगे ना, क्या टेंशन ले रहे हो बाबू। ए बी ए बार बी बार प्लस ए बी बार क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कुछ नहीं ले सकते हैं, इसमें से बी बार ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, इसको एज इट इज ए बी लिख दो, ठीक है, कलर बदलते हैं और मजा आएगा। हाँ कैसा लगा, बी बार ले लिए भाई, अंदर क्या बचा, ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार क्या होता है, वन होता है, और का प्रॉपर्टी है, तो क्या बचा, बी बार प्लस ए बी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड इंटू थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, बी प्लस बी बार वन होता है, जैसे कि ए प्लस ए बार वन होता था, सो द करेक्ट आंसर इज ए प्लस बी बार इज द करेक्ट आंसर। फिर से लगाएंगे टाइमर सेकंड नंबर सवाल के लिए, ऑन योर 30 सेकंड बनाओ। बनाओ बनाओ, आधा सेकंड का दाम,
स्टॉप, टाइमर समाप्ति की घोषणा हो चुका है। क्या करेंगे, क्या कॉमन दिख रहा है, आंसर क्या लाया, अभी मैच करा रहे हैं, क्यों देख रहे, एकदम कीप पेशेंस। क्या कॉमन है, बी बार नहीं ले सकते हैं, ए नहीं ले सकते हैं, ए इन दोनों से ले सकते हैं, ए इनसे कॉमन ले लिया, क्या बचा, बी प्लस बी बार प्लस ए बार बी, ए बी प्लस बी बार वन, ए प्लस ए बार बी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, ए प्लस ए बार इज वंस अगेन वन, सो द करेक्ट आंसर इज ए प्लस बी, इसका आंसर था ए प्लस बी बार। अब थोड़ा सेटिस्फेक्शन लगा कि हाँ, जो तुमने चार थ्योरम्स अभी पढ़ा था, जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म किया था, उसका क्वेश्चन अब आप बनाने में सक्षम हो गए हो, दैट इज द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। जिन बच्चों से आंसर नहीं आया, मतलब प्रैक्टिस चाहिए, जिनसे आ गया, आप अपने आप से पूछो संतुष्टि हुई कि नहीं हुई। जल्दी से बढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम इज वेटिंग फॉर अस, डी मॉर्गन्स की तरफ जल्दी बढ़ते हैं, ही इज वेटिंग फॉर डी मॉर्गन्स थ्योरम। देखिए बेटा, आप यहां देख सकते हैं कि डी मॉर्गन्स थ्योरम अभी हम लोगों का बहुत देर से इंतजार में थे। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम एक बहुत ही वाइटल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही एप्लीकेबल थ्योरम है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा इसका जानते हैं कहाँ यूज है, मैथमेटिक्स में, उसमें भी किस चैप्टर में, मालूम है आप लोगों का, पढ़े हुए हैं आप लोग, सेट सबसेट, सेट थ्योरी, सेट थ्योरी बिना इसके कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, समझ में आ रही है बात। तो डी मॉर्गन्स ने एक थ्योरम दिया था। अच्छा, डी मॉर्गन वाज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन, इनका नाम था अगस्तस डी मॉर्गन, क्या नाम था जी, अगस्तस डी मॉर्गन, ही वाज अ मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन ऑफ ब्रिटिश के, ब्रिटेन के, और इन्होंने बहुत सारा मैथमेटिक्स के लॉज को सपोर्ट किया। तो इसमें एक थ्योरम उन्होंने जो दिया था डी मॉर्गन्स का, सेट थ्योरी का, वही हम लोग डिजिटल में आज पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ दो ही थ्योरम दिया है, वो है आपके स्क्रीन पे, यस ओनली टू लॉज, रूल वन एंड रूल टू। क्या कहते हैं चचा डी मॉर्गन चचा, ए डॉट बी पे जब पूरा बार लग जाए, देखो ध्यान से, इसको हम लोग कहेंगे ए बार प्लस बी बार। ये था थ्योरम नंबर वन। और दूसरा थ्योरम चाचा ने दिया, ए प्लस बी का होल बार इज ए बार डॉट बी बार, समझ रहे हैं। सिर्फ दो थ्योरम दिया, इतना फेमस हो गए हैं, क्यों, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ही इतना जबरदस्त है। देखो, अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें, सिंप्लीफाई ए ए बी प्लस ए सी प्लस ए, तो तुम क्या करोगे, ए कॉमन ले लोगे, बचेगा बी प्लस सी, ए कॉमन लिए ना इन दोनों में से, तीनों में से ए कॉमन ले लिए, तो वन प्लस बी प्लस सी बच गया, तो आप सॉल्व कर दो। मगर अगर हम आपसे बोले कि आप सॉल्व करो, तो ए बी प्लस ए सी बार प्लस ए बी बार, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, आप कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि पूरे पे बार है, आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, पर ये सिंप्लीफाई होगा। तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए डी मॉर्गन ने मदद किया, जब पूरे पे बार आ जाएगा तो डॉट प्लस बन जाएगा और बार टूट जाएगा, और जब प्लस पे पूरे पे बार आ जाएगा तो प्लस डॉट बन जाएगा और बार टूट जाएगा, नहीं समझे, ठीक है। और ये इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, डॉट विल बिकम प्लस एंड बार विल ब्रेक, प्लस विल बिकम डॉट एंड बार विल ब्रेक, ब्रेक द बार चेंज द साइन, रट लो, यही है डी मॉर्गन। These theorems can be remembered by the phrase break the bar, change the sign. Break the bar, change the sign. यही है डी मॉर्गन। अब हम इस सर्किट को यहीं स्क्रीन पे ही देखो, डी मॉर्गन के इस थ्योरम से जो मामला सामने आया वो ये आया कि ए बी का होल बार ए बार प्लस बी बार बन सकता है, यानी कि ये जो NAND गेट है ना, ये एक्चुअली किसका, ये सर्किट है, ये NAND गेट का सर्किट है, जिसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा होगा, ये NAND गेट को हम लोग बबल्ड और गेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बबल्ड और गेट। तो NAND गेट इज इक्वल टू बबल्ड और गेट, ये है,
ये नैंड गेट इज इक्वल टू बबल डॉर गेट। जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि लॉजिक गेट्स अगर नहीं पहुंचे हैं, जिन जो लॉजिक गेट्स पढ़े हुए हैं वो तो समझ पा रहे होंगे। और नॉर गेट, ये और हो गया और इसमें बबल लग गया, तो नॉर गेट इज इक्वल टू बबल्ड एंड गेट। ठीक है, दोनों बराबर हो जा रहा है। और गेट इज इक्वल टू बबल्ड एंड गेट एंड नैंड गेट इज इक्वल टू बबल्ड और गेट। तो ये डी मॉर्गन का हमने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सर्किट में समझाया, और थ्योरम्स इन्होंने दो ही ठो दिया है। यहाँ देखो फिर से आपको अंडरलाइन कर देते हैं, ए प्लस बी का होल बार इज ए बार डॉट बी बार, ये वाला, और ए बार डॉट बी का होल, ए डॉट बी का होल बार इज ए बार प्लस बी बार, बस दो थ्योरम है। अच्छा, यहाँ एक और चीज हम आपके लिए लिखे थे जिसका नाम था डबल इन्वर्जन लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव एब्सॉर्प्शन देख लिए, डिमॉर्गन देख लिए, डबल इन्वर्जन लॉ हम यहीं पे लिख देते हैं। ये तो डिमॉर्गन ने दिया था, आपको पता ही है, हम अपना थर्ड लिख दे रहे हैं डबल इन्वर्जन लॉ। ए डबल बार विल बिकम ए, ए डबल बार विल बिकम ए, डबल इन्वर्जन लॉ, आइडेंटिटी नल, इनवर्सिव, कॉम्युलेटिव, डबल, इतना सारा लॉ लिखा है, डबल इन्वर्जन ही नहीं लिखा। चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो नहीं लिखा, हम लिखेंगे ए डबल बार विल बिकम ए। जब भी दो बार लग जाएगा तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। इसका एग्जांपल समझा देते हैं, वन डबल बार इज इक्वल टू वन, एक स्टेप, स्टेप वन, वन बार को क्या बोलते हैं, जीरो, और फिर इस वन बार यानी कि ये वाला पार्ट, और फिर इस पे बार लग गया ना, तो जीरो बार क्या हो गया, वन, तो वन बार इज इक्वल टू, वन डबल बार इज इक्वल टू वन। तो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डी मॉर्गन। अब डी मॉर्गन थ्योरम आप सीख गए, अब आपको सीधे अप्लाई करना है, सीधे क्वेश्चन बनाना, और क्या इसमें समझाने पढ़ाने लिखाने का कुछ भी नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं स्क्रीन पे, और जल्दी से इसको हम लोग देख लेते हैं कि डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई करना है। अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम टू द गिवन एक्सप्रेशन। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको तो भी प्रैक्टिस के लिए लाए हैं, मगर ऐसा लिखा कभी भी नहीं रहेगा कि डी मॉर्गन अप्लाई करो। जब भी पूरे पे बार आ जाएगा तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है डी मॉर्गन के अलावा कुछ और भी थ्योरम अप्लाई करने का। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इसको लाल मार्कर से येलो से ले लेते हैं और मजा आएगा। देखो एक्स ये है क्वेश्चन, ये पूरा पे बार है, देखो ये जब पूरा पे बार है और फिर यहां बार है और फिर यहां पर ऐसा बार है, तो यहां पर तीन तरह के, एक पूरा पे बार है, एक सिंगल इस पे बार है और एक यहां पे बार है। तो पहला क्या तरीका है हम लोगों को अपनाना चाहिए कि सबसे पहले लंबा वाला बार को हम लोग तोड़ेंगे, जो सबसे लंबा बार, जो सबसे लंबा बार ऊपर में है उसको तोड़ेंगे। तो डी मॉर्गन क्या कहता है, यहां लिख देते हैं, ए डॉट बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। यही दो बात तो डी मॉर्गन कह रहा है। तो यहां पर डॉट का दो पार्ट में इसको समझो, ए एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, और यहां ब्रैकेट दिया, और ये डॉट है और ये पूरा पे बार है, यानी कि ये वाला अप्लाई होगा, ये वाला रूल अप्लाई होगा, ए ये वाला ए मान लो, ये वाला बी मान लो, और ये डॉट है पूरा पे बार है। तो दिस डॉट विल चेंज टू प्लस, सी दिस डॉट हैज चेंज टू प्लस, और ये बार जो है ना टूट जाएगा, रहेगा जरूर पर टूट जाएगा, यानी कि ब्रैकेट के इधर एक आ गया और इधर एक आ गया, मजा आया। बस डबल इन्वर्जन लॉ क्या कहता था, ए डबल बार इज इक्वल टू ए, तो दोनों पे बार आ गया तो यहां बार ही खत्म हो गया। इसमें देखो यहां पर बार फिनिश, डबल बार कैंसल आउट, जैसे ये कैंसल आउट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ बचा ये, अब यहां प्लस एक्स बार प्लस जेड का पूरा बार, अब ये वाला लॉ लगेगा यहां, ए प्लस बी का होल बार ए बार डॉट बी बार, तो ये प्लस विल चेंज टू डॉट, देखो यहां प्लस विल चेंज टू डॉट, और ये बार टूट जाएगा, देखो टूट गया। अब ये फिर डबल इन्वर्जन लॉ आया, और यहां जेड बार प्लस एक्स वाई, डबल इन्वर्जन लॉ से ये कैंसल आउट हो गया। अब यहां बचा एक्स जेड बार प्लस एक्स वाई, अब आपको कुछ नहीं करने का, एक्स जेड बार प्लस एक्स वाई में एक्स कॉमन ले लोगे, अगर अगर हम यहां कॉमन ले लेते हैं एक्स,
तो y प्लस जेड बार इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर विच इज अवेलेबल। दिख रहे हैं, वाह अब और मजा आएगा। चलो ये सवाल अगर हम लोगों का बन गया है, अब हम लोग इस सवाल की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं और इसमें भी देखते हैं कि क्या मामला चल रहा है। यस जी, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, अप्लाई डी मॉर्गन थ्योरम। ऐसे अप्लाई लिखे चाहे मत लिखे, हम लोगों को ना अपना एक्स वाई बार, ये अलग क्वेश्चन है, वो लगे कि है क्या, नहीं अलग क्वेश्चन है, भी नहीं दिख रहे। हाँ ठीक है, देखो फिर से यहाँ डी मॉर्गन लिख देते हैं छोटा सा आप लोगों के लिए। ए प्लस बी का होल बार इज ए बार प्लस बी बार, और a डॉट b का होल बार इज a बार डॉट b बार, और डबल इन्वर्जन a डबल बार a, बस इसी का तो यूज करना, और करना क्या है यार। देखो पूरा पे बार आ गया और डॉट लग गया, यानी कि ये वाला इस्तेमाल होगा। पूरा पे बार आ गया है और ये दो पार्ट में आपका है डॉट लग गया है, तो डॉट विल बी कन्वर्टेड टू प्लस, और यहां एक बार आ जाएगा ये वाला का, और ऑलरेडी जो ये बार है वो आएगा, और वाई बार पे जो बार है वो भी आएगा, और ये वाला बार यहां आ जाएगा और वाई बार पे जो बार है वो रहेगा। डबल इन्वर्जन रॉ में क्या हो रहा है कि कट गया, मगर ट्रिपल है तो क्या होगा, ए में तीन बार है तो क्या होगा, डबल इन्वर्जन कैंसिल हो गया, सिंगल बार तो रहेगा ही ना, सिंगल बार तो रहेगा ही ना, तो ट्रिपल में सिंगल बार रहता है तो यहां तो डबल है तो ये खत्म हो गया, पर ये वाला वाई बार रहेगा और ये डबल बार जो है आपका यहां आ गया। चलो ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, दिस कैंसल आउट, तो ये बच गया। अब यहां देखो ये स्टेप यहां कैसे आ रहा है, सॉरी ये स्टेप यहां कैसे आ रहा है, लेट्स हैव अ लुक। इसको एक ए मान लो, इसको बी मान लो, पूरा वाई बार को ए मान लो बी मान लो, ऊपर पे बार है यानी कि ये वाला लॉ लगेगा यहां पर। तो क्या हो रहा है, यू कैन सी कि ये जो पूरा पे बार अगर टूटेगा तो ये प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये डबल बार इस पे आ गया और ये आ गया, डबल बार यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक्स डॉट वाई बार प्लस वाई डॉट जेड बार, एक्स वाई प्लस वाई जेड बार इज योर करेक्ट आंसर। नहीं आया समझ में, बहुत मजा आएगा। डी मॉर्गन थ्योरम का प्रूफ भी हम लोगों के पास है। चलिए आपके स्क्रीन पे एक और नई तरीके से डी मॉर्गन का हम लोग एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अगर कराते हैं एकदम ट्रांसपेरेंस फॉर्म में, सॉल्व किया हुआ है कोई चिंता नहीं करना है। सवाल है आपका ये वाला, देखो तो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है इसमें। जब ये ऊपर का बार पूरा टूटेगा तो ये वाला जो प्लस है ना, ये वाला प्लस जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड टू डॉट, और यहां आ जाएगा ए बी बार बार डॉट ए बार बी बार। देखो आया ना, वही चीज आया ना, और ये एज इट इज आपका ब्रैकेट यहां रहेगा ही रहेगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है इस स्टेप में कि आपको एक बार और डी मॉर्गन यहां लगाना चाहिए, जो यहां लगाया है कि नहीं लगाया, यहां हम लगा रहे हैं आपके लिए। ये जो पूरा पे बार है ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी का डबल बार ब्रैकेट, क्योंकि इन टू है ब्रैकेट, बिना ब्रैकेट के कुछ काम नहीं होगा, ए डबल बार प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी। समझ रहे हैं, अब यहां से ये कैंसल आउट हो गया तो आपका बचा ए बार प्लस बी, ये कैंसल आउट हो गया, ए प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी। ये अपना तरीके से बनाया, हम अपने तरीके से बना रहे हैं, तब आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है।
फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म वाला लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया। अब हम लोगों को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा कि इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। लिखा रहा है हाँ बी प्लस ए बार, और ये वाला इधर लिख लेते हैं बी प्लस ए, और ये वाला इधर डाल देते हैं बी बार प्लस ए। कुछ नहीं किए, बस पोजिशन को यहां पर ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख दिए, ए बार प्लस बी को बी प्लस ए बार, और इसको यहां कर दिए। अब देखो यहां फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म आ गया। यानी कि दिस कैन बी रिटन एज, नेक्स्ट स्टेप है बी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड इंटू थर्ड टर्म इंटू बी बार प्लस ए। ए डॉट ए बार क्या होता है, जीरो, बी प्लस जीरो डॉट बी बार प्लस ए, बी इंटू बी बार प्लस ए, बी इंटू बी बार इज जीरो और इंटू बी ए, सो द करेक्ट आंसर इज ए बी। देखो ये भी ए बी लाए हैं, हम भी ए बी लाए हैं, ये मेरा मेथड से आया, ये इनका मेथड से आया जो क्वेश्चन है, तो आप दोनों मेथड्स को यहां पे वैरी करके देख लेंगे और मजा आएगा। देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड बाय वेरियस मीन्स, चार तरीका आप देखें बोर्ड पे, ग्रीन से है ना, हम भी ग्रीन लेंगे। हमको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार ये ए बार डॉट बी बार होगा। ये कैसे आप प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ तभी हो सकता है, एक तो सर्किट से प्रूफ होगा, दूसरा क्या करते हैं कि चलिए चार केस लेते हैं, एक बार में ए को जीरो जीरो लेते हैं, एक बार में वन जीरो लेते हैं, एक बार में जीरो वन लेते हैं, और एक बार में वन वन, चार ही चीज ना ले सकते हैं आप ए और बी को, क्या क्या यहां लिखते हैं, यू कैन राइट जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन, चार चीज ले लेते हैं। चलो पहला में आप देखो कि ए को जीरो और बी को जीरो लिए हैं, तो ए प्लस बी का होल बार क्या है, जीरो प्लस जीरो का होल बार जीरो बार, जीरो बार इज इक्वल टू वन, और ए डॉट बी बार में फिर जीरो जीरो लिए हैं, तो जीरो बार डॉट जीरो बार इज इक्वल टू वन और वन इज इक्वल टू वन, दोनों केस में वन वन आ रहा है, यानी कि ये दोनों चीजें बराबर है। केस टू, ए को जीरो लिए हैं बी को वन लिए हैं, तो ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, दोनों सेम आना चाहिए, तो सेम आने के लिए ए प्लस बी बार जीरो प्लस वन का होल बार, जीरो प्लस वन वन होता है, वन बार इज इक्वल टू जीरो, और यहां देखो जीरो डॉट वन बार, जीरो का बार वन और वन का बार जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, दोनों केस में जीरो जीरो आया, यानी कि सही है। तीसरे केस में वन जीरो देख लो, तो a प्लस बी का वन प्लस जीरो का होल बार इज इक्वल टू वन प्लस जीरो इज वन, वन का होल बार इज जीरो, और a बार b बार यहां, यहां a बार b बार इज वन बार डॉट जीरो बार इज जीरो डॉट वन, जीरो दोनों में सेम आया, और चौथा केस में वन वन में भी जीरो जीरो आया, हेंस द आपका डी मॉर्गन्स थ्योरम इज प्रूव्ड इन दिस वे ऑल्सो एंड वी हैव सीन सर्टेन क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास जो है हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम का क्वेश्चंस है और स्वैप और पॉज फॉर्म का है, और इसके बाद हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस है, जिसमें कि हम लोग डबल इन्वर्जन रूल, डी मॉर्गन्स रूल और तीनों जो एर और एंड नॉट का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और स्वैप और पॉज का जो यूज करेंगे, ऐसा क्वेश्चंस लाएंगे जिसमें सबका यूज हो जाए और आपका माइंड उसके लिए बहुत जल्दी से प्रिपेयर हो जाए। चलिए इस वीडियो को जरूर से आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीबॉडी।